That is dispersion of light. देखो प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम. व्हिच स्प्लिट्स व्हाइट लाइट बीम इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स. जो उसके कंपोनेंट पहले हम तोड़ गए इस कॉल्ड प्रिज्म. इट इज ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स. इट इज ऑफ वेरियस शेप्स. नाउ That is dispersion of light. That is splitting of white light into its component colors. When it passes prism is called dispersion of light. देख लीजिए कि प्रिज्म में ऐसे तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी डिस्पर्शन बनाए तो ये लाइट ऐसे जा रही है तो इसके जो डिफरेंट बैंड है वो इससे नीचे ही तोड़ें. ये इस पे नॉर्मल है और जो नॉर्मल है उससे ऊपर ही होने चाहिए सारे बैंड और उसके मेन जो प्रोड्यूस करने से बन रही है उससे नीचे होने चाहिए. इसके और नॉर्मल के बीच में सारे कंपोनेंट हों और वो जो कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट फिर आगे ऐसे हो जाएंगे और कंपोनेंट को आप एक किसी न किसी स्क्रीन पे ले लेंगे तो स्क्रीन में सबसे नीचे वी होगा और फिर क्या होगा विप ग्योर विप ग्योर. तो ये जो सबसे ऊपर है वो रेड है और नीचे क्या है वॉयलेट और रेड. तो दिस इज कॉल्ड स्क्रीन और यहां से यहां तक जो है वो क्या है स्पेक्ट्रम. तो अब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है. सो व्हेन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट व्हेन ऑफ लाइट और ये स्लिट है. When white light beam passes through prism, it splits into its component colors. If these colors after मतलब इससे जब ये इमर्जेंस टेकन ऑन स्क्रीन found in increasing or decreasing order of wavelength. या तो आप देखो wavelength
ऊपर बढ़ती हुई है और ऊपर से नीचे देखो तो घटती हुई है। तो जो भी है, इफ वाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म इज टेकन ऑन स्क्रीन, दीज आर फाउंड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड बैंड ऑफ सेवन कलर्स टेकन ऑन स्क्रीन व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम। समझ में आया कि नहीं? तो बैंड ऑफ सेवन कलर्स टेकन ऑन स्क्रीन व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसे क्या कहेंगे? विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि विजिबल लाइट को तोड़ा है। लाइट के तो बहुत सारे होते हैं, एक्सरे भी होती है, गामा रे भी होती है। चूंकि तुमने विजिबल लाइट भेजी है और उसके कंपोनेंट किए हैं तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाए। सो और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सो व्हेन डिफरेंट कलर्स आर टेकन ऑन स्क्रीन, सबसे सिंपल डेफिनेशन, इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, then it is called spectrum. अगर आप कलर्स को स्क्रीन पर ले सकें जो वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में, वेवलेंथ है तो यहाँ वेवलेंथ किसकी बढ़ रही है बताओ? ऊपर घटता पड़ रहा है कि नहीं? So the different color components taken on screen in increasing or decreasing order of wavelength is called spectrum. फिर चाहे तुम प्रिज्म से लो या किसी से लो, उसे कोई मतलब नहीं। तुम अगर ऐसा पा सकोगे तो वो स्पेक्ट्रम कहलाएगा। समझ में आई बात की नहीं? सुनो, different colors taken on in screen in increasing or decreasing order of wavelength is called spectrum. समझ में आ गया? या फिर क्या कह सकते हो, बैंड ऑफ सेवन कलर्स टेकन ऑन स्क्रीन इन टेकन ऑन स्क्रीन व्हेन वाइट लाइट, और वाइट लाइट की बीम डालनी पड़ेगी स्प्लिट से होकर के, वाइट लाइट बीम पासेस थ्रू, क्या कहेंगे? इस कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कोई भी चीज अगर एक बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में चीज पाई जाए उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये हमारे कलर का स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई बात? स्क्रीन पे कोई चीज बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो तो उसको क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। चूंकि आपने ये लाइट को लिया है बढ़ते या घटते क्रम में इसकी प्रॉपर्टी के वेवलेंथ पे, तो इसलिए लाइट का स्पेक्ट्रम है। ओके, हाँ, वैसे आपने कहा था दिखाएंगे आज। देखो, बहुत कुछ कहते हैं लेकिन होता बहुत कम है। अब ये देखो, ये वाइट लाइट है, हमारे पास 7 रुपए बच्चे हैं, हम कैसे सहलाएंगे? अब यहाँ देखो कि कुछ चीजें फिर से बताना हूँ। प्रिज्म, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच स्प्लिट्स वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, ठीक है, जो श्वेत प्रकाश हो उसके घटक रंगों में विभाजित कर दे उसे प्रिज्म कहते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हेन वाइट लाइट पासस थ्रू प्रिज्म now it splits into its component colors, this process is called dispersion of light. बोलो बात सही है? White light after passing through prism splits
इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, दिस इज कॉल्ड, आप एक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन बताओ। व्हेन वी टेक लाइट कंपोनेंट्स ऑफ लाइट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन देयर इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक और बताओ। बैंड ऑफ सेवन कलर्स ऑफ लाइट व्हेन व्हाइट लेंसेस पासेस थ्रू प्रिज्म व्हिच वी कैन टेक ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड। So it is in increasing or decreasing order of wavelength. The lowest color on the screen is violet and the uppermost color is red. The lowest color on screen is violet and uppermost color is red. As violet suffers highest deviation, as violet जो है उसमें सबसे ज्यादा greatest deviation, while red color suffers from least deviation. ठीक है, सो ये वीडियो के क्रम में होगा। नाउ अब जरा देखें, डिफाइन प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन डिस्पर्शन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम वेवलेंथ frequency, time period, ऊपर का हो गया एक दो लाइन। Of light which does not change when it moves from one medium to other medium. Components color move in vacuum with though their varies. Red light has longest and violet light has shortest wave. Lambda is equals to रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज
ये फिगर बना लिया, इससे नीचे बनाना और नॉर्मल से ऊपर, ये ध्यान देना, यही मोस्टली 90% बच्चे गलती करते हैं। इसकी ओरिजिनल रे से नीचे और नॉर्मल से ऊपर सारे रे जाने चाहिए। कुछ लोग इससे भी नॉर्मल से नीचे, ये दोनों बना लेना तब बीच में डालना, ये तो गलत हो जाएगा। सही है, ये समझ में आ गया ना? सो डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, सो रिफ्लेक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू। अरे ये डिस्पर्सन है व्हाइट टाइप का, और मोनोक्रोमेटिक में ग्रीन कलर के डालोगे वो एक रे है। दोनों फिगर बुक में है ना? स्पेक्ट्रम मत मिटाना, हां नहीं मिटाना। सिक्स में कौन ग्रेटर है कौन लेसर है, किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स? तो तुमको क्या बताया था कि दैट इज इक्वल्स टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था कि साइन आई अपाई बोलो आर रेड का बड़ा होता है कि वायलेट का। नॉर्मल से देखो रेड दूर है ना नॉर्मल से, तो बोलो रेड में ये चीज बड़ी तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स छोटा, उसको बाधा कम हुई, बाधा होती है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा बाधा किसे हुई? Which has suffered great hurdle? तो वायलेट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अमाउंट ऑफ हर्डल ज्यादा होगा कि नहीं? नीचे की वैल्यू बड़ी नहीं हो जाएगी, नीचे मतलब साइन आई छोटा, ये छोटा हो जाएगा तो ये बड़ी नहीं हो जाएगी। मेक रे डायग्राम फॉर पासिंग रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रेक्शन ऑफ मोनो क्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट से अर्पिता क्या समझते हो? देखो जो ग्रीन कलर है उसमें भी 50,000 ग्रीन है, तो इसलिए कहो कि ग्रीन कलर ऑफ सिंगल वेवलेंथ। ग्रीन भी एक नहीं, ग्रीन का बैंड मिलता है, इससे पता चलता है ग्रीन में भी कई ग्रीन होंगे, नहीं तो एक ही जगह ग्रीन ना चला जाता। किसी का भी व्हेन लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ पासेस थ्रू, समझ में आया? लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ किसी का देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ही तो है, ये सही कह रहे हो। सर बस कितने लोगे? बस इतना फिर इसके आगे यहाँ तो का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। सर कौन से जन्म के हिसाब किताब का? ये कई जन्मों का हिसाब है जो आज पूरा होगा। चलो मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ही कलर, एक सिंगल रे होगी।
all components colors move in vacuum with same velocity, though their frequency and wavelength varies. ज़्यादा सबसे ज़्यादा चेंज है इस से सर। हाँ बोलो, ये राइट में तो अच्छा है डायग्राम। Many of the scientists were telling that the color is not in white light, it is the prism which contains colors. उन्होंने क्या बताया? Color is not in white light, ठीक है, white light में color नहीं है, उन्होंने बताया prism के अंदर color है। क्या? ऐसे scientist बोला। फिर wrong proof हो गए? Colors are present in prism. पहले पर्ची जमा करो फिर आगे बताओ। तो समझ आ गई बात? तो न्यूटन हैज रिजॉल्व दिस एनोमली और एम्बिग्यूटी वंस फॉर ऑल टेकिंग टू इन्वर्टेड प्रिज्म। जरा देखो टू इन्वर्टेड प्रिज्म है ना, तो उन्होंने क्या किया, ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है, एक लिया और उसके बाद उसी के पैरेलल में एक और ले लिया, इन्वर्टर प्रिज्म हो गए और उन्होंने उससे लाइट पास की। जरा देखो, सो जब इन्होंने ये देखो लाइट पास की, बात नहीं करो मतलब ये, और इस लाइट को पास करने पर क्या हुआ, दैट इज इन्वर्टेड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। सो उन्होंने ये दिखाया कि देखिए, अब देखो, ओके जमा करो। सर फोर्थ के अब दो आंसर बता दो। फोर्थ में है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सर आपने तो कहा था अलग अलग होंगे। आराम से, आपने कहा था अलग अलग होंगे। अच्छा चलो, अब आगे देखो, ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसको यहाँ जाना चाहिए, तो बोलो रेड का थोड़ा मुड़ेगा तो रेड ऐसे मुड़ गया, और फिर इसके बाद क्या होगा, वॉयलेट क्या ज्यादा मुड़ेगा तो वॉयलेट ज्यादा मुड़ गया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, क्या ये अब हटेंगे अपनी एक्सिस से, अपने नॉर्मल से, बोलो ये और ये, तो नॉर्मल से दूर हटेंगे कि पास जाएंगे, बोलो, तो दूर हटेंगे, रेड ज्यादा दूर हटेगा कि वॉयलेट, वॉयलेट को ज्यादा डिविएशन करना चाहिए, तो रेड को हम हटाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ही हटाएंगे दूर, देखो इधर जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन थोड़ा हटा, और ये कैसा होगा बोलो, ये ज्यादा दूर हट जाएगा, तो इसको भी हटाएंगे अपने लाइन से, लेकिन इससे ज्यादा हटाया कि नहीं, ध्यान दो, रेड को थोड़ा हटाया और वॉयलेट को ज्यादा हटा दिया, अब यहां से ये फिर अंदर जाएंगे तो फिर नॉर्मल बनाओ, तो इसका मतलब है हियर द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट टेक्स प्लेस एंड हियर द रिकम्बिनेशन ऑफ द कलर्स आर टेकिंग, वो फिर से ज्वाइन हो जाए। जरा फिर से देखो कि मान लो अब ये रेड कलर बोलो डेंसर मीडियम में जा रहा है, इसे क्या कर देना चाहिए, तो इधर ना जा करके नॉर्मल के पास आना चाहिए क्या? हाँ। तो ये नॉर्मल के पास आ गया,
सही है। और इसको देखो कि दैट इज पर्पल को, तो पर्पल को भी क्या करना चाहिए, क्या नॉर्मल के पास आना चाहिए, तो दोनों नॉर्मल के पास आएंगे। ये रेड ऐसे जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर अब ये पास आ जाएगा। और पर्पल को भी पास ले आए, तो ये पर्पल है नॉर्मल के पास आ गया, और रेड वाला भी नॉर्मल के पास आ गया, तो रेड को भी पास ले आओ जैसे पहले किया था। स्केल से कल से जरा ये देखो, अब ये देखो, ये तो रेड भी नॉर्मल के पास आ गया। तो अब इसके बाद क्या होगा, जाना चाहिए था रेड को इधर, लेकिन वो नॉर्मल के पास आते दिख रहा है आपको। अब वायलेट भी, अब यहां से क्या होगा बोलो, व्हाइट लाइट निकलेगी, वो व्हाइट लाइट कैसी होगी बोलो। कुछ लोग कह रहे हैं, अभिषेक कह रहे हैं कि वो जो आ रही उसके पैरेलल होगी, तो क्या अर्पिता आप इससे सहमत हैं? सहमत है तो अच्छी बात है। सो ये जो आगे बढ़ेगी उसी के वो पैरेलल होगी। सो ऐसा आप अपनी बुक में भी देखें और कंफर्म करें कि क्या ऐसा दिखाया क्या। ये जो लाइट होगी और वो दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल। सो प्रिज्म क्या कर रहा है, प्रिज्म सिर्फ उनको कंपोनेंट कलर में तोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और फिर दूसरे में क्या हो जा रही है, वो रिकम्बाइन हो रही है, समझ में आ रही बात। सो न्यूटन हैज रिजॉल्व दिस एनोमली वंस फॉर ऑल, ये तो कहा दूसरे साइंटिस्ट में, और न्यूटन ने क्या किया, एक उल्टा रखना जरूरी है, रिजॉल्व दिस एनोमली, नहीं तो फिर वो और तोड़ेगा, दूसरा भी सीधा रख दोगे तो और बेंड करेगा और खोल देगा, तो बड़ा बैंड मिल जाएगा, बड़े बड़े। सो रिजॉल्व दिस एनोमली, फिर ऐसे केसेस में आपको कुछ कुछ ऐसे बैंड मिलेंगे। बड़े बड़े बैंड है ना, ये जैसे ज्यादा अगर तुमने दूर दूर रख दिया तो बड़े बड़े स्पेक्ट्रम है ना, ये स्क्रीन पे पाया गया। सो रिजॉल्व दिस एनोमली for all, he stated that the white light colors different colors, और जो मैंने रिंग कल दिखाई थी उस रिंग का नाम क्या है, न्यूटन्स रिंग, वो न्यूटन की बनाई हुई रिंग है। कौन सी रिंग, जो कल जो चरखी घुमा रहे थे ना, अलग अलग कलर थे। तो and anomaly for all, he has taken two inverted prism. एंड पास्ड, और क्या किया, व्हाइट लाइट थ्रू वन, और एक से व्हाइट लाइट पास की, ठीक है। सो इट हैज डिस्पर्स द, इट स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स, व्हाइट द अदर प्रिज्म रिकम्बाइंस द कंपोनेंट्स कलर इनटू व्हाइट लाइट। सो इट dispersed the white light, जैसे आप लोग क्या है reciting के बाद disperse हो जाते हो कि नहीं, कि सब लोग बिखर जाओ अपने अपनी क्लास में जाओ, disperse हो जाते हो, तो disperse the white light into its component colors while other combine it into white light. So this experiment shows that white light contains seven colors. Sikha pata chalta hai? This
एक्सपेरिमेंट शोज दैट व्हाइट लाइट कलर वो तो दूसरे साइंटिस्ट ने कहा व्हाइट लाइट हैज कंपोनेंट कलर्स नॉट प्रिज्म तो उसके पास कंपोनेंट कलर है प्रिज्म का काम है उनको अलग अलग डायरेक्शन में भेजना ना कि वो खुद कलर देता है नॉट प्रिज्म अब हम इन सब चीजों को देखें In this video, we're going to look at the relationship between white light and color by recreating a portion of Newton's prism experiment. It was presented in a letter to the Royal Society in 1671. But first, a little bit of background. At the time of his experiment, the prevailing theory was that white light was a color of light, and that other colors could be created by modifying the white light somehow. For instance, this red piece of plastic would be described as changing this white light into red light. He also had knowledge about how light behaved at the boundary between two materials, the law, where the ratio of this expression allows us to predict what will happen at planar boundary of the angles. Newton was working on designing lenses for telescopes, and he saw a rainbow, just like he expected. But then he noticed something. In the direction that the colors were spread, the pattern was much wider than it should be based on system geometry if light obeyed this fixed sine ratio law. So he did some experiments. He separated out individual colors in the spectrum and passed them through additional prisms. And what he came to realize was that all the colors in the spectrum are their own form. Light and they all experience a different refractive index on traveling through these prisms. So this led to the conclusion that the white light that's over here is the light passing through the lens above it and So we can conclude that when we perceive this white light, what we really see, okay, that's pretty neat. We start off with white light, we form a spectrum of color, a spectrum. So is there a white, but it's not really. We changed it from book one. You see, at some distance away from the lens, now you really should build this system with a much larger focal length lens and build a much wider system to get a really good separation between the colors here. And a very clear white beam at the end. But for this video, thank you for watching. I hope you found this material interesting. If you'd like to learn more about Newton's optics experiments, I'd recommend two resources online. One is the Project Gutenberg, where you can find a copy of Newton's book, Optics. And the other is the Newton Project. Hello, my name is Harold York. Research that this is an example of a prism that used as a spectrograph, in other words, used separate colors. The prism is it's refracted and this rainbow is 42 degrees. Now we will see the rainbow in red
is enjoying the rainbow. और ऊपर कैसा है पीछे वायलेट और ऊपर क्या आप इसे प्राइमरी रेनबो कह रहे हो ऊपर वाले को सेकेंडरी देखो वो सबसे पहले रेनबो भी दो है ये देखो ये सौम्या ने नोटिस किया पिक्सर वो कौन सा है वो दूसरा वाला उसमें ऊपर नीचे रेड है क्या तो वो भी the person in red is enjoying the rainbow, whereas the person to the left is blue. Sir, what चीज भी आपने बताई थी? ये देखो, वही चीज जिसे हम white light कहते हैं, वो white light दरअसल है क्या? White light, red, blue, green, yellow, इस तरह के lights की तरह, white light के पास कोई खास फ्रीक्वेंसी नहीं होता कोई खास वेवलेंथ नहीं कर सकते हैं हमें चाहिए होगा एक पतला सा नैरो सा लाइट का बीम चाहिए होगा दो टुकड़े ले लिए लकड़ी का बीच में इस लाइट को हम इस प्रिज्म में इंसिडेंट नहीं करवा सकते इसके लिए स्लिट बनाने के लिए हमने ऐसे दो चार ब्लॉक यहाँ पर यूज किया चाहते हैं और बीच में एक पतला सा गैप है जिस लकड़ी के गुटके नहीं होते एक गिरा तो भर अच्छा वही दो लकड़ी के गुटके उनके बीच लाइट डाल दो तो उनकी एक्सट्रीमिटी या झिलरी नहीं बन जाएगी तो हम उसी से ये देख लो गैप से लाइट पतला सा लाइट का बीम यहाँ से पार होगा और ऊपर से भी हम इसे ढक देंगे और ये बीम पतला सा बीम यहाँ से जाके इंसिडेंट करेगा प्रिज्म के इस फेस में और यहाँ मैंने लाइट को स्विच ऑफ कर दिया है और यहाँ पर देखिए टॉर्च जो है वो ग्लो कर रहा है और ये स्लिट से पार हुआ पतला बीम लाइट का यहाँ से पार हुआ प्रिज्म से पास कर रहा है ये आप देखिए प्रिज्म के अंदर जो बबल्स है उसके कारण आपको प्रिज्म के अंदर जो लाइट पार हो रहा है उसका पार आपको दिख रहा होगा फिर इसके ऑपोजिट फेस से वही लाइट बीम बाहर निकला और ऐसे देखिए स्क्रीन ये देखो जब ये इंसिडेंट हो रहा है तो आपको क्लियरली तरह तरह का कलर्स दिख रहा है ब्लू दिख रहा है ग्रीन दिख रहा होगा येलो दिख रहा होगा तो इस तरीके से हमने देख लिया कि न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ पर लिख देंगे कि वी आर और इसे क्या लिखेंगे वाइट लाइट और ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे ओके Now, next is rainbow formation. सर आपने एक और चीज वो भी है क्या आगे? जैसा कि red दूर तक क्यों दिखता? वो सब आएगा जैसे जैसे बताएंगे बुक के हिसाब से चलें। सब धीरे धीरे बताएगा। चलो ठीक है वो करा देते हैं। So, rainbow formation. Sir, हमेशा दो रेनबो बनते हैं हमेशा। हम्म। दिखाएंगे बहुत सारे वीडियो आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। सर फोटो तो मैंने भी खिंचवाई थी आज ही उस फोटो को ज़ूम कर। ओके। So rainbow formation कब होता है? When It is raining and sun is behind the observer. तो अगर बारिश हो रही है और हमारे पीछे सूर्य then we सूर्य. So if it is raining और ठीक है और मान लो ये बारिश हो रही है तो
ये देखो तो हमारे ऊपर क्या बनेगा, रेनबो बनेगा। और अगर ये अपनी आईज 40 डिग्री पे उठा दे, 42 पे उठाए, तो ये तब तक रेनबो बनेगा। 40 से शुरू हो जाएगा और 42 तक, ये देखो ये है, हमने अपनी आईज उठाई 40 पे, इधर से इधर तक पूरा रेनबो। फिर और उठाई 42 पे, खत्म 42.5 पे, तो वाक खत्म हो गया। तो नीचे वॉयलेट कलर है और ऊपर कौन सा है, तो ये 42.5 पे खत्म। अगर तुमने सोचा और उठा लें तो 51 से 54, तो वो हम अभी आगे बताएं। दिस इज प्राइमरी रेनबो या सिंपली रेनबो भी कह सकते हैं। तो जिनकी नजर कच्ची है वो प्राइमरी रेनबो ही देखा कर, जो और सूक्ष्मता से देखेंगे वो सेकेंडरी भी देखेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, और सन हमारे कहाँ हो, बिहाइंड। तो व्हेन इट इज रेनिंग, रेन तो आपके पीछे भी हो रही होगी, ये थोड़ी कि यहीं खड़े हो यहीं तक रेन हो, इट इज रेनिंग, और कहीं ना कहीं से धूप का एक टुकड़ा भी आ रहा हो। या वी कैन सी रेनबो जस्ट आफ्टर रेनिंग स्टॉप्स, क्योंकि सूर्य निकल आएगा और तब उस समय बारिश की कुछ बूंदे हवा में तैर रही होंगी, उन्हीं से रेनबो देख लोगे। रेन जब स्टॉप हो जाए तब सूर्य आ जाएगा, ऐसे होगा। सो रेनबो इज ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना। आपस ही में बता रहे एक दूसरे को भी ऐसा होता है, वो टेक्निकल डिस्कस कर रहे हैं, यहां भी तो पढ़ो। सो विच इज फॉर्म्ड व्हेन इट इज रेनिंग एंड सन इज बिहाइंड ऑब्जर्वर। मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर एक्ट्स एज टाइनी प्रिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेन। मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर, सस्पेंडेड इन एयर एक्ट्स एज टाइनी प्रिज्म। ये छोटे छोटे प्रिज्म का काम करेंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। सर अगर पानी की बूंदे देख लो मान लीजिए हैं, तो ऐसे ऐसे यहाँ से इस वाले पानी की बूंदे किया तो इसके आगे एक और पानी की, हाँ वो अलग कलर देगी, मतलब अलग अलग ड्रॉपलेट्स हैं बहुत दूर से बहुत दूर तक। तो जब तुम अलग अलग ड्रॉपलेट्स को देखोगे तो कुछ पानी की बूंदें जो नीचे है 40 वाले एंगल की जो एक बैंड है वहां तक की सारी ड्रॉपलेट्स यहाँ कर लो या यहाँ कर लो, वो सारी की सारी वॉयलेट होंगी। फिर 40.2 40.3 से लेकर चलते चले जाओ तो वो मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट रेड दे रही हैं, वो एक एंगल पर आंख उठाने पर वो देंगी। और ये सर्कुलर बनता है लेकिन होराइजन की वजह से हम नीचे का नहीं देख पाते, क्योंकि हम अर्थ में एक जगह खड़े हैं तो आप कितना देख पाओगे, अगर अर्थ में आपके सामने होराइजन पर बन भी रहा है तो आप आधा देख पाओगे। भाई आप यहाँ खड़े हो, कहीं भी खड़े हो या यहाँ खड़े हो तो आपके चारों तरफ यहाँ बन रहा है ना, तो नीचे का झुक के देख लोगे अर्थ में कि नहीं, नहीं देख पाओगे। तो यू आर ओनली सीइंग दिस। हम लोग जब ऊपर रहते थे तो हमारे ऊपर सन रहता था, तो हम लोग तो एयरफोर्स में थे तो कई बार हम लोगों ने सर्कुलर रेनवे देखा है, क्योंकि सन ऊपर है नीचे बारिश हो रही है तो हम लोगों ने बोला था। वो सब हम बताएंगे, सिर्फ आपको इतना देखना है कि सुन लो, रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना विच इज फॉर्म जस्ट आफ्टर रेनिंग व्हेन सन इज शाइनिंग, इतना भी लिख सकते, ठीक है। सो फॉर रेनबो फॉर्मेशन सन शुड नॉट फेस अस, सन शुड बी बिहाइंड अस। तुम अगर मान लो सूर्य हमें फेस कर रहा है, पलट जाओ रेनबो देख लो, तुम्हें ये नहीं कि सन पीछे जाएगा तब देखेंगे, तुम खुद मुड़ जाओ
समझ में आई बात की नहीं? तो रेनबो देखने के लिए बस मुड़ना ही तो पड़ेगा। ओके ओके नाउ अब देखो ऐसे पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ बात करोगे तो फिर नहीं पूरा हो पाएगा आपको। नीचे वाली दो लाइन देखो, ये एटमॉस्फेयर की टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, बहुत सारी टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगी, ठीक है? तो और इन्हीं पे हम रेनबो देखेंगे, और साथ ही साथ ये अर्थ है। हाँ बोलो, हुआ नहीं? तो अब जरा देखो कि ये सन रेस जब दूर से आती है तो क्या पैरेलल होंगी इन ड्रॉपलेट्स पे? ये सन रेज है, और भी ड्रॉपलेट्स होंगी, तो सभी ड्रॉपलेट्स पे सन रेज आएंगे कि नहीं पैरेलल? और भी होंगी, पूरा पूरा हवा में ड्रॉपलेट ही ड्रॉपलेट है। अच्छा ये हटाएं, सो दीज आर वाटर ड्रॉपलेट्स और ये अर्थ है, और ये रेस कहां से आ रही बताओ? फ्रॉम सन। रेस कहां से आ रही है? सन से जो रेस आएंगी क्या वे रेस पैरेलल होंगी ड्रॉपलेट्स में? तो मिलियंस ऑफ उससे आ रही है। अच्छा एक बात बताओ कि इस पॉइंट पर हम सेंटर से इसको मिला दें क्या? परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको छोड़ दो तो ही लेते हैं, तो इसको मिला दिया। अच्छा ये बताओ रेड ज्यादा दबेगी कि वायलेट ज्यादा दबेगी? वायलेट ज्यादा दबेगी और रेड कम दबेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके ओरिजिनल पाथ से तो दोनों दबेंगी, ये ओरिजिनल पाथ है, तो रेड को कम दबाएं और वायलेट को, रेड को कम दबा दिया और वायलेट को ज्यादा दबा दिया, सही है? अब इन दोनों पर सेंटर से फिर परपेंडिकुलर डालें, तो अब यहां तक हमने फिर परपेंडिकुलर डाला, सेंटर से नॉर्मल डाला जाता है, यहां तक समझ में आ गया? अब जरा देखें इधर काटा दें, नोट करो, देखो इधर का हटा दें। ये देखो चलो सब क्या सब चीज खाता है बात ना बोलेगा।
लोगों को सौम्य मत समझाओ, तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। ये लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन का काला अक्षर भी नहीं समझते। क्या क्या तो नहीं समझाना चाहती हूँ कि यहाँ से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना, ये कुछ समझ नहीं पाएंगे। तुम ज्ञानी हो, सबको मत समझो। अपना ज्ञान एक सूझबूझ भरे आदमी के सामने ही व्यवहार करना। अब देखो, जैसा कि सौम्या बता रही है, एक मछली है तो उसको कितना तालाब दिखता है, यही तो सौम्या बता रही है। अभी हम लोगों ने देखा था बोलते हुए इसको, कि इसके आगे वो नहीं देख पाती। अगर वो यहाँ है तो इतना ही देख पाएगी, इसी वजह से फंस जाती बेचारी। अच्छा, इसका रीजन इन्होंने क्या बताया? बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हम देख लें। अभी वो फिगर वहां रुका हुआ है। ये देखो, मान लो अगर ये वाटर है और वाटर के ऊपर क्या है, एयर, तो यहां से अगर लाइट ऐसे गई तो वो लोग क्या होगी? नॉर्मल नीचे से लाइट कब आएगी? बोलो, दूर हटेगी के पास। तो यहां से अगर लाइट गई तो ये हट गई, क्योंकि जब भी रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, दूर हट जाएगी। अब इसी पॉइंट से एक लाइट यहां भी जाएगी, यहां से तो मिलियन रे निकल रही ना, तो क्या होगा, तो क्या और दूर हट जाएगी? एक टाइम पे ऐसे आ जाए तो फिर और दूर हटेगी, लेकिन ग्रेजिंग एंगल पे चली जाएगी। ग्रेजिंग एंगल का मतलब 90 डिग्री, जिस पे गाय घास चरती है, सरफेस से होती जाएगी। देखो ये एंगल 60 डिग्री है, और जब बाहर निकली तो 90 पे निकली। समझ आया भाई? इसे दूर हटना जाना है, हटते हटते इतना हट गई कि अब सरफेस से ही जाने लगी, सरफेस पे चमक आने लग गई। अब देखो, अगर मान लो कि यही चीज और आगे बढ़ जाए, तो अब ऐसी स्थिति में अब ये तो और नहीं हट सकती ना, तो वो बोले कि छोड़ो रिफ्लेक्शन, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करो। सो इट इज नो मोर रिफ्लेक्टेड एंड इट स्टार्ट्स फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अंदर ही आ, क्योंकि उससे ज्यादा तो हट भी नहीं सकती है। तो द एंगल at which the refraction becomes 90 degree is called critical angle. उसे क्या कहेंगे? The angle after which या greater than this the ray start to reflect. उसके बाद क्या करेगी? उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी और बाहर नहीं जाएगी। तो उस समझाइए ना, ये चीज तो समझा ही देंगे। सब चीज देखो और समझो। ये देख लो, मान लीजिए कि ये चीज है हमारे पास, ठीक है? तो ऐसा हो कि हम यहाँ से लाइट डालें, और लाइट डालने के बाद ये यहाँ से क्या करने लगे, लौट आए। तो अब हम उसके लिए कोलाइडल मीडियम बनाएंगे, क्योंकि कोलाइडल मीडियम में क्या टिंडाल इफेक्ट है, क्या उसमें लाइट दिख जाती है, उसके लिए हमें थोड़ा पानी चाहिए होगा, और थोड़ा सा डिटॉल डाल दें तो उसके पार्टिकल 1000 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर के बीच में हो जाएंगे, ठीक है? सो ये हमारा कोलाइडर मीडियम बन गया, और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइट डालेंगे और आपको दिखाएं कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी समझा रहे हैं कौन सा ऊपर वाला, वो सब समझ में आ जाएगा। अभी देखो फिर समझो। चल ये देखो कि यहाँ पर ये सरफेस है, पहले तो लाइट दिखे, दिख तो रही है, बट और डिटॉल चाहिए क्या इसको, थोड़ा और सीखिए। 10 मिनट तो बहुत खर्च पड़ जाएगा। थोड़ी थोड़ी आने लगी ना, और की जाए क्या, एक एंगल और डाल।
ये देखो अब जरा देखें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ, ये देखो नॉटी लाइट। हाँ, कैसे क्या इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, समझ आया? अब लेकिन ऐसा भी हम करते हैं, अगर ये कम करें तो ये लौटना बंद कर दे, यानी फिर ऊपर ही चली जाए। तो एक हम एंगल इसमें ऐसे कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ऊपर चली जाएगी, लौटना बंद कर देगी। देखो ऐसा हुआ नहीं हो रही ना लौट रही, ये ऊपर हाथ में आ रही है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं अब ऊपर नहीं जाएगी, दिख रही? इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक। तुम फिर से देखो, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। आपको ये मालूम है ये जो 30 रुपए का मिलता है बाजार में, ये प्लास्टिक है, ऑप्टिकल फाइबर आजकल इसी का जमाना है। ये देख लो, ये नेट वाले तो लगा वो। आप ये देख लीजिए, इसको लाइट बंद कर दें तो पता चल जाए। ये देखो हमें नेट वाले लगता है, वाईफाई ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के एंड तक लाइट जा रही है, ये जितना भी मुड़ जाए आपको दिख रहा नहीं। तो ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होते होते चलती चली जा रही है। ये देखो उससे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें हम करें, इसको कहते हैं अभी हम इसका डिजाइन बताते हैं। तो ये देखो इससे करें, इसमें लाइट होगी थोड़ी, इसमें थोड़ी ज्यादा छोड़ो, इससे कर देते हैं। तो मतलब कहीं से लाइट ले करके इसको लाइट दे दो, हाँ तो वो सब एक ही बात है, कहीं से बस इसको लाइट ले लो लेके दे दो, ये चल के दिखे नहीं। एक चीज है बस, ज्यादा लेने का नहीं जरूरत है, इसको बंद कर दो पूरी तरीके से, इसी को लाइट दो, है कि नहीं? तो टोटल चलो अब हम आगे की बात देखें कि ऐसा क्यों हुआ। सो देखो सर एसी का टेंपरेचर, हाँ एसी का टेंपरेचर कम किया जाएगा, कम नहीं बढ़ाना चाहिए। आप ऊपर कर दें सर, ये आप शेक कैसे चाहिए कि उसको एसी नहीं होगा आपकी तरफ जाए नहीं, हम अभी ठीक करते हैं। देखिए कौन है अभिषेक, अभी से ही शेक कर रहा है। ओके नाउ सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बात देखो यहाँ दिखाया गया है, ये हमारे पास मिरर है, ये है हमारे पास ग्लास और वाटर का सेटअप। मैंने कोई मिरर आपको प्रोवाइड नहीं किया है, आपको क्या करना है इस लेजर लाइट से यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो करके दिखाना है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ वाटर के अंदर लाइटें दिखाई दे रही है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है। देखो ये रे ऑफ लाइट मैंने अब यहाँ पे डाली है, आप देख सकते हैं ये लाइट रे क्या हुई, इधर आई फिर इधर गई, फिर इधर बाउंस बैक हो रही, मल्टीपल टाइम बाउंस बैक हो रही है। क्या मिल रहा होगा फाइबर में ऐसे 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 होते हैं, वो तो मैंने प्लास्टिक दिखाया ना, उसमें हजारों बाग हुई है ऐसे ऐसे ऐसे। अंडरस्टूड, क्लियर? इस तरह से हम कांसेप्ट को समझ सकते हैं। ये है हमारे पास एक लेजर लाइट, ये है हमारे पास ग्लास। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पता चल गया। अगर ऐसे पानी में भी करोगे तो जब पानी बह रहा है वहां भी लाइट ऐसे रिफ्लेक्शन होगी। ये देखो, adding some salt into water and I am going to shine the laser light from the top into the water. You can very well see the ray bending towards the normal, hence the चलो अब हम लोग कुछ और चीजें समझें। फिर से बताते हैं कि बात ये है, इफ सुन लो सुनिए, मेरा कहने का मतलब है कि when light falls, जब increasing, जब incident angle बढ़ेगा तो उसके साथ ही साथ क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी बढ़ना चाहिए। तो अगर ये बढ़ता जाएगा तो जैसे जैसे आई बढ़ाओगे आर बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है आई इतना बढ़ जाए कि आपको 90 होना पड़े। अब 90 से बढ़ेगा तब तो उसी मीडियम में आ जाएगा। बोलो इंसिडेंट, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, ये तो फिक्स है। वाटर और एयर के मीडियम के लिए ये 2.1.3 दिया जो 4/3 है। अगर हम कहें एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो क्या होता है 4/3, वो तो नहीं बदलेगा ना, तो ये 4/3 है। तो अगर मान लो आई बढ़ाओगे तो इसे भी बढ़ना पड़ेगा, तभी तो ये फिक्स रहेगा कि अलग अलग एंगल के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा, वो तो एक फिक्स वैल्यू है। सो वेन इंसिडेंट एंगल इंक्रीजेस, आपका ध्यान ज्यादातर रहता नहीं इधर उधर तो देखते हो, so when incident angle increases then repeat sentence complete karo, then angle of refraction also increases so that the ratio remains constant. However at certain value of angle of incidence the angle of refraction reaches to grazing angle. एक ऐसी भी value होगी जब मैं इस पर डालू कि इसकी surface चमकने लग जाए, मतलब मैं इस पर light डालू तो वो ठीक ठीक क्या हो, सरफेस चमकने लग जाए। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा हो सकता है, मान लीजिए मैं इसमें डालू तो क्या होगा बताओ, ग्रेजिंग एंगल हो जाए। ये देखो, तो ऐसा भी देख लो, हम एंगल बढ़ाते जाएंगे, एक एंगल पर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ऊपर जा रहे कि नहीं लाए, लेकिन धीरे 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 अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन हम इनके बीच में आए जब इसकी सरफेस चमके, तो हम वो चीज पा सकते हैं कि सरफेस पे चमक आ जाए। ठीक है, करने पर अभी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन ये चीज आ सकती है कि एट सर्टेन टाइम सरफेस में ग्लेजिंग आए। ठीक है, ये तो आप देख रहे हो ऊपर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं, वापस जा रहे कि नहीं, ये देखो ये क्या जा रही है, लेकिन ये एंगल हम अगर क्या करें बिल्कुल कम करें तो सरफेस पे आ जाए, अभी भी नहीं आ रही बट सरफेस पे आ जाएगा तो ग्लेजिंग एंगल है। ये देखो ऊपर से देख रहा है, ये रिफ्लेक्शन होना ऊपर से ही देख रहा है, नीचे जा रही नहीं मुड़, ये देखो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन इससे छोटा नहीं होता है, ये सरफेस सही जाने लग जाए तो ग्लेजिंग एंगल कहलाएगी। बात की नहीं, ये देखो ये तो नीचे जा रही है,
वो बता रहे हैं हाँ फिर तो ऊपर जाए वो देखो फिर सर आपने टेम्परेचर का क्या कर दिया अभी सही कर चलो अब मैं इसको ठीक करता हूँ ओके आगे देखो नीचे जा रही तो अगर एक ऐसा एंगल हो कि जिससे सरफेस पे ही ये आ जाए तो उसे क्या कहेंगे अभी तो आप नीचे जाते हुए देख रहे ऊपर देखो नीचे जा रही कि नहीं ऊपर आएगी कि नहीं तो किस चीज को क्या कहेंगे हम क्या रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे ऊपर से देखो चलो अब हम बात करें कि बोलो ओके नाउ सुनो वेल लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम इससे चलिए बताओ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल ठीक है तो नॉर्मल जब ये विरल माध्यम ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलती है तो अपने लंब से विक्षेपित हो जाती है अब इफ एंगल आई इज इंक्रीज देन आर आल्सो कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस इफ आई इंक्रीजेस देन आर आल्सो increases ठीक है so at certain angle of incidence at certain angle of incidence जो reflected ray ठीक है goes parallel to the surface यानी interface से गुजर जाती interface तो जानते हो ना so reflected रे पासेस एट इंटरफेस दिस एंगल इज ग्रेजिंग एंगल इसे क्या कहोगे ग्रेजिंग का मतलब जैसे गाय घास चरती है ना जमीन पे उसे ग्रेजिंग कहते हैं ग्रेजिंग एंगल तो 90 डिग्री है एंड द करेस्पॉन्डिंग इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड एकलव्य कहां बैठे हैं The corresponding incident angle is called बहुत लोग बोल देंगे अगर आप नहीं बोलना चाहते हो उम्मीदवार है बोलो हाँ लो तो आप डिस्टर्ब थे ना इसीलिए हमने आपसे पूछा क्योंकि आपकी आवाज आ रही थी दो चीज एक साथ नहीं कर सकते कि थोड़ा सा अर्थक से भी बात कर रहे हैं थोड़ा इनके पैसे की भी बात कर रहे हैं सो द करेस्पॉन्डिंग इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल अब आप एकलव्य ये बताओ कि क्रांतिक कोण से तुम क्या समझते हो क्रांतिक कोण क्रिटिकल अब बोलो दिव्यांगी करेक्ट जैसा दिव्यांगी ने बताया द एंगल ऑफ इंसिडेंट At which the angle of refraction becomes 90 degrees called. कितनी बड़ी बात कह दी छोटी क्लास So the angle of incidence at which जिसपे क्या हो जाए बताओ
angle of refraction becomes 90 degree और अब हम आगे की बता रहे हैं becomes 90 degree is called इसे क्या कहेंगे critical angle. अब जरा देखो अब इसके बाद सृष्टि क्या बता रही. मान लो जैसे कि हमने यहां से क्रिटिकल एंगल आ गया ये क्या है तो ऐसे आप इस बात करना है तो बाहर चले जाओ और लोगों का भी कैरियर है. और मान लीजिए हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो ये आई है. अब ये सी है. सी एंगल पर 90 होता है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल को सी कहते हैं. उससे बढ़ा दिया तो अब ये सृष्टि बोल रही कि ठीक है और एंगल बढ़ जाए तो कम से कम थोड़ा तो 90 से बढ़ जाए ऐसे चली जाए. जरा देखो वो कह रही कि ये ठीक है ये तुम्हारा 70 डिग्री है अब वो हमने बढ़ा दिया 10 डिग्री तो ये 80 हो गया. समझ आया. वो कह रही थोड़ा बढ़ तो गया ही है ना 90 से बढ़ गया. तुम ना तो ये रिफ्लेक्शन कर रहा है ना रिफ्लेक्शन कर रहा है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भी तो फॉलो नहीं कर रहा. तो फिर तुम खुश हो जाओ हमने तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अबाई वो धोखा दे दिया डॉज कर दिया. तो ऐसा नहीं होगा. अगर वो रिफ्लेक्शन नहीं कर पा रहा है तो तुरंत उसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा. हाँ मतलब अगर इस सरफेस पे आएगा तो तुरंत खट से उस एंगल पर आना होगा जो रिफ्लेक्शन के लॉज है. तो ये अब इसे 70 होना पड़ेगा तुरंत 90 के बाद इसे सीधा कितना पढ़ना पड़ेगा 70. तो इफ एंगल इज इंक्रीज्ड देन इट इज नो मोर रिफ्रेक्टेड एंड ठीक है नाउ स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज कॉल्ड पूर्ण आंतरिक परावर्तन. इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यही यहां होने वाला है. इफ एंगल इज फर्दर इंक्रीज्ड इफ आई इज फर्दर इंक्रीज्ड देन ग्रेजिंग एंगल के ऊपर कर दो देन नो मोर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस देन नो मोर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. उस फिर और रिफ्लेक्शन नहीं होगा और फिर क्या होगा बोलो द नाउ रे स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ओबेइंग किसको ओबे करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता रिफ्लेक्ट करने लगी कि नहीं. तो इस चीज ये जो चीज इसे क्या कहेंगे टी आई आर तीर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लग जाए. जब इतना एंगल बढ़ा दिया जाए सी के ऊपर तब उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे. हाँ तो वो अब रिफ्लेक्ट होने लगेगी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगेगी. अब ये 70-70 हुआ कि नहीं. रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगेगी. बात समझ आ गई. और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल अब आगे देखो इतनी बात समझा. उस चीज को क्या कहेंगे सी से ऊपर का एंगल हो जाए तो उसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे. अब आगे देखिए ऊपर के डायग्राम हटा दिए जाए. ओके नाउ अब जरा देखो अभी सब कर देते हैं. इतनी तुम्हें बात समझ आएगी नहीं इतनी ही समझनी जितनी बताना है. अब देखो सो अगर मैं कहूं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो क्या कहोगे कि साइन आई की जगह सी लिख दो और साइन आर की जगह क्या लिख दो 90 डिग्री. वो बात सही है. अच्छा तुम्हें डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है भाई
अलग अलग चीजें 2.4 ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर एक काम हो रहा है कि ये साइन 90 हो गया और ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, यहाँ किससे जा रही है डेंसर से, ऐसा तो नहीं कि डायमंड से, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/n लिख दो, क्या लिखा जाएगा रेयरर से डेंसर में जा रही ना, तो पलट के लिखा जाएगा डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, मतलब ये किससे जा रही है डेंसर से रेयरर, और वैसे क्या होता है बताओ रेयरर से डेंसर में, हमेशा कभी भी तुमने ग्लास स्लैब लिया है तो बताओ किसके रिस्पेक्ट में किसका निकाला है, रेयरर से किसमें जाती है, और तभी तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ डेंसर से किसमें जा रही रेयरर में, तो जब भी आपको ये निकालना पड़ेगा क्योंकि अब नीचे तो वैल्यू बड़ी है तो इसलिए 1/n लिखना पड़ेगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आया तो तुम ये समझ लो कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन क्या कहता है बताओ, ये तो अब यहां से यहां जा रही है, बात करने से बेटा नहीं होगा, तो यहां से अगर यहां जाएगा तो ये क्या है, ये आर है और ये आई है, हमेशा बड़ा एंगल ऊपर रखना पड़ेगा, बात समझ आई, नहीं तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं हो जाएगा, तो एरो ठीक कर देंगे, जैसे मेरा कहने का मतलब है ये यहां से यहां जा रही है तो आई छोटा होगा और आर बड़ा होगा, लेकिन हमें अगर एक्चुअल चाहिए तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन कहता है कि उल्टा भी चलोगे तब भी ऐसे ही जाएगा, तो हम ये एंगल ऊपर रखें और ये नीचे रखें तब तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा बड़ा एंगल, क्योंकि आर बढ़ने पर साइन आर बढ़ता है, तो कुछ भी करने पर आप ये देखिए कि हमने यहां अगर इसको लिया सी, ये चीज क्या है बताओ, और सी और 90 तो तुम उल्टा काम कर रहे हो, तो 1/n लिखना तुम बड़ा बड़ा या तो बड़ा ऊपर रखो, ये पलट दोगे तो बड़ा अपने आप ही ऊपर चला जाएगा, तो इससे पता चलता है कि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है, वाटर के लिए 42 डिग्री है, इससे क्या होता है 24 डिग्री से वही डायमंड करोड़ों का बिक रहा है सिर्फ क्रिटिकल एंगल की वजह से। लो अब चला देखो डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या है, उसमें चमक नहीं है, सिर्फ उसके पास क्रिटिकल एंगल है, उसी पे वो बेचा जा रहा है, कमा रहे हैं लोग करोड़ों। क्रिटिकल एंगल का मतलब है कि 24 डिग्री से ऊपर जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अब जरा देखो लिखो क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड क्या है बोलो, क्या ये चीज हमने बताई, अब इसको उल्टा उलट दो तो उलटने पे क्या होगा बताओ, m इज इक्वल्स टू साइन 90 अपॉन साइन जी, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्रिटिकल एंगल का डायमंड का 2.42 है 1/sin c, तो बताओ साइन सी ये वैल्यू बड़ी है ठीक है, और ये दिस इनटू दिस ही तो 1 है, तो क्या साइन सी को छोटा नहीं होना होगा, इसको यहां ले आओ, दो चीजों का प्रोडक्ट बड़ा और एक बढ़ता चला जाए तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा कम होना पड़ेगा, इन इन दोनों का प्रोडक्ट ये बड़ा है, ये क्यों बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, जिस चीज का डिनोमिनेटर छोटा होगा वही तो बड़ा होगा, तो सी छोटा होगा, तो डायमंड के केस के लिए हमने ये वैल्यू रखी है, तो आप समझ जाइए कि डायमंड के लिए सी की वैल्यू क्या होती है 24 डिग्री, तब इसकी वैल्यू कितनी आती है विच इज लीस्ट, अब देखो जरा डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल क्या बताया 24 डिग्री से अगर ये बढ़ गया एंगल तो ये फंस गई अंदर, ये देखिए ये डायमंड कटर क्या करते हैं, वो करते हैं कि इसको ऐसा कट करो कि ये ऊपर से तो आए लेकिन अंदर फंस जाए, तभी तुमने देखा है कि जब लाइट जाती है तो जिसकी नथ होती है डायमंड की वो 5 मिनट तक चमकती रहती है, उससे पता चल जाएगा कि वो देखो उनकी बुआ खड़ी है, वो जानते हो कि नहीं, ये देखो अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि बुआ को दिखा देंगे, ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड एट नाइट, ये देखो
ये देखिए, ये रात को ऐसा चमकेगा। 5 मिनट तक उसमें लाइट बाहर निकलने में लग जाएगी, जो घुस गई है वो निकल ही नहीं पा रही। और ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बदौलत हुआ। जरा देखें, अब देखो लाइट यहाँ से गई, लाइट यहाँ से गई तो ये हो गया। इसका बोला तुम्हारा हो गया 24 डिग्री, चलो अंदर ही अंदर पलटो, अब बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ बेचारा कैदी हो गया। ऐसे ऐसे और लाइट आई, उसको भी कब्जे में कर लिया, घुमा रहा है। फिर और लाइट आई, इतना सारा घुमा रहा है कि अंदर प्रकाश से भर गया। अब बोले लाओ 100 करोड़, मतलब कीमत हो गई ना उसकी डायमंड की। तो डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसीलिए वो कीमती है। वॉट एवर लाइट एंटर्स इन इट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज टोटली कैप्चर्ड एंड कैन नॉट कम आउट बिफोर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक वो अंदर ही अंदर घुसते रहेंगे, फिर बंद कमरे में भी खोलो हीरा तो चमकेगा, क्योंकि उसमें जो लाइट एंटर कर गई है उसको निकलने के लिए तो समय चाहिए कि नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये चीज है, फिर निकलेगी यहीं से, यही चीज खूब चमकेगी। जहां से गई है वहीं से कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, तो इंटर कर आउटर होने के लिए उसके पास कोई रास्ता ही नहीं, वही चीज चमकती है। लेकिन इनका सवाल ये था, सर हमें डायमंड से क्या लेना देना, हमें मछली की बात बताओ। ज्यादा काम है इन सब का कुछ नहीं है, मतलब हमने ये बताया कि पलट के देख लो। अगर मान लो आप किसी चीज से किसी में ले जा रहे हो, तो ये 90 डिग्री है और ये सी है, तो 90 डिग्री बाय सी इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। क्योंकि जनरली तुम इसे आई लेते हो, इसे आर लेते हो, वही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। हम अंदर से बाहर क्यों निकाले, हम जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में करते थे उसी को तो पलट दिया, वही चीज तो है। क्योंकि लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन कहता है लाइट कहीं से कहीं भी जाए, वहां से आ रही है, आ जा रही है, और क्या करना है। तो ऐसे लोग समझ में आ गई कि नहीं, वही है कि नहीं। देखो अब जरा देखो, ये देखिए कि ये मछली है। सो मछली ये, तो मछली का यहां से यहां तक तो वो देख रही है, लेकिन इसके बाद उसका एंगल क्या हो गया। अब यहाँ से ग्रेजिंग एंगल है, तो इसके आगे अगर मान लो इससे लाइट गई तो वो क्या होगा, बाउंस हो जाएगी। तो यहाँ वाली मछली इसको ऊपर यहाँ दिख रही है, वो देखेगी कि ये जो मछली है ना, इतने के आगे उसे सब मिरर दिखेगा। क्योंकि अगर मछली तुम्हें ऊपर दिख रही तो समझो वो मिरर ही तो है, और यहां से यहां तक उसे सूर्य चमकता हुआ दिख रहा है, बादल और उसमें छिपा हुआ सन। और लेकिन यहाँ इधर इधर की मछलियां उसको कहाँ दिखेंगी, तो नीचे भी दिखेंगी सामने और ऊपर देखेगी, ऊपर भी नीचे मिरर है लगता है, ये एक बीच में मिरर काट दिया गया, जैसे समझो अंदर वो तैर रही हो, ऊपर कटा हुआ मिरर उसके साथ साथ चल रहा है। ऊपर का दिख रहा है, बाकी वो क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा की चीज उसको ऊपर भी दिख रही है, क्योंकि उसके आगे वो मिरर है ना। नीचे की चीज तुम्हें ऊपर दिख जाए तो क्या वो मिरर नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से जब हम यहाँ, हमने कहा कि ठीक है इसको पकड़ने का बहुत अच्छा तरीका, दूर खड़े हो जाओ और दूर खड़े होकर एक वो तार डाल दो और तार में दाना डाल दो, ये फंस जाएगी, क्योंकि वो हमें देख ही नहीं पाएगी, उसके लिए तो मिरर है और हम मिरर के पीछे छिपे हुए हैं। उतना गोला काट के उसे बाहर आदमी भी नहीं दिख रहा, और आदमी दूर खड़ा है, वो नीचे की चीज पानी लग रहा है, ऊपर भी पानी है, ऊपर ही जमीन का तल्ला है, यानी सी लेवल, सी बेल्ट, समझाई बात की नहीं। तो वो ऊपर दिख रहा, इतना कटा पोर्शन है जिसमें से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ जा रहे हैं, जो कटा पोर्शन है, यानी यहाँ तक उसे पूरी दुनिया दिख रही है, उसके लिए दुनिया एक बस इतनी ही है, उसके जो भी आगे वो जो आगे चीज है वो ऊपर भी दिखेगी, तो मिरर नहीं हो गया, ऊपर भी दिखेगी, जो अब ये चीज उसको ऊपर की दिख रही है, यहाँ से ऊपर का आकार देखे, और बाकी सब उसके लिए क्या है, ये मिरर की तरह कार्य कर रहा है, समझ आई। तो अब उनके फिगर ऊपर दिखेंगे, वो मछली ऊपर दिखेगी तो मिरर नहीं लगेगा, बट हमें इन सबसे लेना देना नहीं, हमको मालूम है वाटर का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, और अब यहाँ से चीज क्या होने वाली है, हमें भी ऐसी दिखेगी।
हम्म, आप डेंसर से रेयरर जाओ तो क्या हो जाएगा? डेंसर से जब रेयरर मीडियम जाया जाए तो उसके इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की संभावना होती है। जैसे ये देखो, इसमें इन्होंने क्या किया ना साइंटिस्ट ने, ऑप्टिकल फाइबर में ये जो लाइन बनाई है इसके ऊपर एक डेलिबरेटली बहुत रेयरर मीडियम की क्लैडिंग कर दी है कि बोले कि लाइट जाए तो उस रेयरर मीडियम की वजह से अंदर ही अंदर करती चली जाए। पर्पजली एक अंदर डेंसर मीडियम रखा ट्रांसपेरेंट और उसके ऊपर रेयरर मीडियम चढ़ा दिया। तो अब इस पहले हम लोग कहते थे इस टेलीफोन की सभी लाइनें व्यस्त हैं, अब इससे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है 3 किलोमीटर तक 99% एनर्जी पूरी पहुंच जाती है। मजाल है कि कहीं लीकेज हो जाए। और अभी हम देख रहे थे रिफ्लेक्शन में तो अर्पिता बोली थी देखो सर इसमें से रिफ्लेक्ट भी हो रही है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें 1% भी लाइट बाहर नहीं जाती, रिफ्लेक्ट होती ही नहीं है, लीकेज है ही नहीं, पूरा अंदर 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 चलती गई और सब लोग एक साथ फोन पे हजारों लोग बात कर रहे हैं, किसी का फोन कभी इंगेज आता है? इसमें डेंसर से रेयर में जाना और रेयरर भी चढ़ाया गया इसके ऊपर क्लैडिंग, तो उससे क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम जब से आया है टेलीफोन की दुनिया में क्रांति आ गई है। ऐसा एंगल बनता है, अब आप देख रहे हो प्लास्टिक के तार जमीन में बिछते हैं टेलीफोन के, उसमें वो नहीं होता कॉपर अपर, तो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम क्या है अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे जाती जाएगी क्योंकि बाहर हमने रेयरर मीडियम चढ़ा दिया ना इसमें। तो अब जरा देखें यहाँ पे यही हो रहा है, बताओ जो रेनबो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा TIR टोटल इंटरनल। अब यहां से वो एंगल बढ़ गया है तो क्या इसे लौटना पड़ेगा? ये तुम बता दो ध्रुवांशी, रेड कलर का एंगल ज्यादा है कि पर्पल का? रेड का। बोलो बताओ कि तुम आगे बताए नहीं, हमें एंगल बताओ क्योंकि उसी एंगल पे हमें मोड़ना है ना, रेड का ज्यादा क्योंकि जब किसी सर्कल में ये सर्कल है तो अब यहाँ बोलो ये एंगल ज्यादा बन रहा है कि ये एंगल ऊपर वाला, ये टी है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एंगल क्या है बड़ा, तो इसके बड़ा होने की वजह से क्या होगा बताओ, इसको ज्यादा हमें करना पड़ेगा, बोलो ये सही है, अब इसको कम पे करना पड़ेगा तो इसको भी हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, और पर्पल को क्या करें कम पे करो, तो पर्पल को पर्पल की तरह कम पे किया और इसको भी, बात समझ आ रही? अब इस पर फिर से नॉर्मल डालो और इस पर भी नॉर्मल डालो, इन दोनों पे क्या वो बात ही कर रहे हैं, उनको लेना देना नहीं, बाद में देखेंगे सर थोड़ा सा, ये चीज हो गई कि नहीं? यहां से अब ठीक है, तो ये तो हमने नॉर्मल डाल दिए, अब यहां से ये लोग क्या करेंगे अर्थ पे आएंगे, तो अर्थ पे आएंगे तो यहां हमने नॉर्मल डाल दिया तो क्या ये दूर हटेगा कि पास आएगा, बोलो नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल से इधर ना आके कहां जाएगा दूर जाएगा, तो इसको दूर हटाओ ये देखो, और रेड को कहां करो ये नॉर्मल को, इससे हम इस पर्पल को दूर हटा देते हैं ये, और रेड को भी दूर हटाना है इसी तरीके से नॉर्मल से इसको भी दूर हटाएं। सर इस वाले पे केस में TIR नहीं होगा, ये देखो इस केस में यहाँ पर एक दो TIR होते हैं उस केस में सेकेंडरी रेनबो, एक TIR यहाँ होता है ठीक है, उसमें दो TIR होंगे। अब ये देखो इसके बाद जो भी जिस एंगल पर ये आया है तो एक बार यहाँ आ गया ठीक है, अब देखो रेड वाले के लिए तो रेड कैसे होगा, रेड भी तो हटेगा अपने नॉर्मल से, तो रेड हटा और ये देखो नॉर्मल से हट गया कि नहीं, और ये भी नॉर्मल से हटेगा अपनी जगह से, ये हट गया है नॉर्मल से और हट के यहाँ पे ये आ गया। अच्छा यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको ये दोनों एंगल मिल रहे हैं ये, तो अब ये मुझे बताइए कि उसको नीचे पर्पल दिखेगा कि ऊपर रेड,
तो ये ऑब्जर्वर के पास दोनों पहुंचे, पहुंच गए कि नहीं? तो ऑब्जर्वर को कितना आंख उठाए कि कितना आंख उठाए, तो यहां से उसे कितनी आईज उठानी पड़ेगी? 40 डिग्री, और यहां से 42.5 डिग्री, तो उसे पूरा रेनबो मिल जाएगा। ये दो ही पार्टिकल नहीं, इसके बीच में सैकड़ों पार्टिकल है, तो वो है। अच्छा, ये जो दूसरा इसका कलर है वो पाली में, यहाँ से 50 किलोमीटर, तो बादल भी तो 1 किलोमीटर ऊपर है, तो उसका कलर भी तो कितनी दूर जाएगा? तो इस पार्टिकल से होने वाला जो रेड कलर है वो वहां है, और किसी और पार्टिकल से उसके पास ब्लू पहुंचेगा क्या? तो वो हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो दूसरा व्यक्ति रेनबो देख रहा है वो उसी पार्टिकल का रेड कलर देख रहा है जिसका आप ब्लू देख रहे हैं। उसी पार्टिकल, अब कोई एक और होगा बीच में जो उसी पार्टिकल को ग्रीन करके देखेगा। हजारों पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल से हजारों कलर निकल रहे हैं, 7 कलर निकल रहे हैं। तो तुम यदि उसका यहाँ पर पर्पल कलर देख रहे हो, तो दिल्ली में अपने फोन करो, जरा वो पार्टिकल का देखो तुम्हें कौन सा कलर दिख रहा है। दिल्ली में हम तो उसका ग्रीन देख रहे हैं। बोले सही देखा। अब ये देखो, रेनबो तो एक ही बनता है इन सब पार्टिकल्स से। रेनबो एक नहीं है, रेनबो जितने भी पार्टिकल हवा में, सबकी वजह से रेनबो है। तुम चलते चले जाओ, रेनबो तुम्हारे साथ चलता चले जाएगा, फिर दूसरे दूसरे कलर है, तुम्हें 42 पे ही दिखता चला जाएगा, चाहे तुम हेलीकॉप्टर से चलो चाहे जेट से। पार्टिकल लेकिन अलग कोई पार्टिकल, अलग पार्टिकल होगा लेकिन उसी एंगल पे दिखेगा, क्योंकि सन रेज पैरेलल पहुंच रही है। तो सारे पे चाहे तुम दुनिया में पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ, तुम्हें 42 ही पे दिखेगा। समझ में आ गई बात? तो अब दूसरा वाला व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है उसके लिए भी ये 42 ही एंगल है, और ये वो हो गया। अब उधर वाले पे जो ये गया है, क्या उधर से भी ये करेक्ट आएगा जो हमने ऊपर मिटा दिया? सो दिस इज द रेनबो फॉर्मेशन। समझ में आ गई आप? इतना ही रखें, लेकिन आपके बुक में एक दूसरा चित्र बना है जो कि गलत है, उसको हम शाम को बताएं। शाम को कितने बजे है? 5:30 है। चार बजे 9 5:30।